किसी के प्यार में होने के 10 लक्षण, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आप किसी के प्यार में हो, इसके कौन से लक्षण हैं? लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं प्यार में नहीं हूँ, या बोलते मैं प्यार में हूँ, मगर क्या लक्षण है कि हम बोल सकते कि नहीं किसी के प्यार में है? कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, उसको प्यार बोलते हैं लोग। कभी कभी नहीं, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन रहता है, फिजिकल नहीं रहता है, उसको प्यार बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या लक्षण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला लक्षण, फर्स्ट जो है वो है कि आप वो व्यक्ति की चिंता करते हो, फिक्र करते हो, उसको क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में पूछताछ करते रहते हो, केयर करते रहते हो, एक। नंबर दो, आप वो व्यक्ति को मिस करते हो, उसकी कमी महसूस होती है आपको हरदम कि नहीं मैं मिस कर रहा हूँ आपको, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति को मिस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरे कंपनी में या आप कहीं जाते हो वहाँ या जहाँ भी, मतलब आपके स्पेस में वो व्यक्ति नहीं है ऐसा आपको लगता है, वो होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, उसको अपन मिस करते रहते। थर्ड जो है, आप उसकी राह देखते रहते हैं, राह देखते रहते हैं, मतलब उसकी फ़ोन की राह देखेंगे, उसकी मैसेज की राह देखेंगे, वो कब मिलने वाला है उसकी राह देखेंगे, वो कहाँ होगा उसका ट्रेस करते रहते हैं। तो वो एक हो सकता है कि उसकी आप राह देखते हैं, फ़ोन की, व्हाट्सएप की ट्रेस करते हैं, कहाँ होगा कहाँ नहीं। तीसरा, चौथा, आप सुबह सुबह जब उठते हो तो पहले आपको वो याद आता है कि नहीं उसका कुछ मैसेज है, कुछ पोस्ट है, कुछ मिस कॉल है, कुछ तभी तो है फ़ोन पे, तो वो आप चेक करते रहते हो। सवेरे उठने से पहले उसकी याद आती है और आप उसके बारे में सोचते हो और चेक करते हैं। पांचवा, उनको जो अच्छा लगता है वो भी आपको अच्छा लगना चालू हो जाता है और आप भी उसमें रुचि लेना चालू कर देते हैं नेचुरली। तो फिर आप समझ जाना कि नहीं नहीं अपन उसके प्यार में है, क्योंकि उसको जो जो अच्छा लगता है उसमें अपने को भी इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। छठवा, आप उसके उसको टाइम देना चालू कर दे, उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उसको टाइम देंगे, टाइम बिताना चाहेंगे उसके साथ में और उसके कंपनी में आपको अच्छा लगता है। सातवा, आप बिजी होने के बावजूद भी उसके लिए आप टाइम निकालेंगे, वो व्यक्ति के लिए थोड़ी चीज़ें अपन बाजू में रखेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे और फिर प्रायोरिटी देके नहीं वो ये काम बाजू में और वो पहले, ऐसा करके कोई काम को कॉम्प्रोमाइज करके उसको टाइम देंगे वो व्यक्ति को। फिर उसका मैसेज होगा, उसको मिलना होगा, उसके बारे में बातचीत करनी होगी, जो भी होगा। आठवा, उसके जो अकम्प्लिशमेंट है, उसने जो सक्सेस मिलाया है, उसको जो भी कुछ मिला है, उसने जो भी कुछ अकम्प्लिश किया है, तो उसमें आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आप भी वो एंजॉय करते हो, आप भी वो सेलिब्रेट करते हो, आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं आपको लगता है कि वो मुझे भी उतना ही मिला है अकम्प्लिश, मुझे भी मैंने अकम्प्लिश किया ऐसा आपको लगता है। नौवा, आप उनको जिताने में लगे रहते कि नहीं उसको जीतना, उसने जीतना चाहिए, मतलब फिर उसको सपोर्ट करना है, समझो डिबेट में वो हिस्सा ले रहा है तो उसको कैसे जिताएंगे, उस पढ़ाई में उसको कैसे पास करेंगे, अच्छे मार्क होंगे, इंटरव्यू होंगे तो उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, मतलब जो भी उसको वो जो करना चाहता है उसमें मैं कैसा उसको जिताऊंगा सामने वाले व्यक्ति को, ये है नौवा। और दसवा, आप उसको जब जब मौका मिले तब तब आई लव यू ऐसा बोलते हैं, या कम से कम नहीं बोल सके इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर दिमाग में भी ऐसा आता है कि मैंने बोलना चाहिए कि आई लव यू। तो ऐसे ये 10 साइंस है कि 10 साइंस में यदि आपको ये दिखते हैं आप में, समझ जाना कि आप उसके प्यार में हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं, हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करो और उसमें भी सवाल जवाब आप कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।